देखिए, 3 दफ़ा असल में हुई है। मेरी वालदा को 3 दफ़ा 1 हफ्ते में गिरफ्तार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि अब ये दूसरा MPO डिटेंशन ऑर्डर सेटिसाइड हुआ है कि हुकूमत भी थोड़ा सोचेगी कि घरों को इस तरह ना बर्बाद किया जाए। ये बताइएगा कि इमरान खान के हवाले से आपकी एक स्टेटमेंट चाहिए कि उनको अब याद आया श्री मजारी बंद है। जी, बहुत अफसोस की बात है कि उन्हें अपने कारकुनान और लीडरशिप भूल गए हैं वो। मुझे तो इस पर अफसोस ही हो सकता है, लेकिन मेरा PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो PTI जाने। इमरान खान को सिर्फ अपनी और अपनी बीवी की पड़ी हुई है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी की बेटी इमान मजारी इमरान खान के रवैये से नाला। कहती हैं कि अफसोस हुआ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उनकी वारदा की गिरफ्तारी के बाद 5-6 दिन बाद जाकर कोई बयान दिया और उनका नाम लिया। इमरान खान को सिर्फ अपनी और अपनी बीवी की पड़ी हुई है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी की बेटी इमान मजारी इमरान खान के रवैये से नाला। कहती हैं कि अफसोस हुआ चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उनकी वालदा की गिरफ्तारी के 5-6 दिन बाद जाकर कोई बयान दिया और उनका नाम लिया। इमरान खान को सिर्फ अपनी और अपनी बीवी की पड़ी हुई है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी की बेटी इमान मजारी इमरान खान के रवैये से नाला। कहती हैं कि अफसोस हुआ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उनकी वारदा की गिरफ्तारी के बाद 5-6 दिन बाद जाकर कोई बयान दिया और उनका नाम लिया। इमरान खान को सिर्फ अपनी और अपनी बीवी की पड़ी हुई है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी की बेटी इमान मजारी इमरान खान के रवैये से नाला। कहती हैं कि अफसोस हुआ चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उनकी वालदा की गिरफ्तारी के 5-6 दिन बाद जाकर कोई बयान दिया और उनका नाम लिया।